अनुलोम विलोम। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम के ऊपर। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन भी कहते हैं। नाड़ी शोधन का अर्थ है कि आप अपनी नाड़ियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। आधी मतलब 36,000 नाड़ियाँ ईड़ा और 36,000 नाड़ियाँ हमारी पिंगला से होती हुई गुजरती हैं। और ये जब इनमें हम संतुलन बना के रखते हैं तो इनको मिलने के बाद सुषुम्ना नाड़ी का उद्गम होता है, जो शून्य से परे है, जिसको एक्टिवेट करते ही, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करते ही हमारे शरीर की ऊर्जा और एक शून्य की भाव हमारे शरीर में आ जाता है। अनुलोम विलोम करने की मैं आपको विधि बताऊंगी, उसकी क्या सावधानियां हैं, आप कौन कर सकते हैं अनुलोम विलोम को और किस तरीके से किया जा सकता है और इसके क्या लाभ होंगे। अनुलोम विलोम करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास पर होना चाहिए। अनुलोम विलोम करते हुए श्वास को बिल्कुल ग्रेजुअली धीरे धीरे अंदर की ओर और बाहर की ओर ले जाना होता है और पूरा ध्यान सिर्फ श्वास पर ही रखना है। हम इसको विधि से देखते हैं। एक आप आसन बिछाइए, उस पर किसी भी पोजीशन में, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं या अर्थ पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद अपनी कमर को पीछे से ऊपर तक सीधा कर लीजिए। अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और दोनों हाथों की सबसे पहले ज्ञान मुद्रा बनाइए। उसके बाद सीधे हाथ की विष्णु मुद्रा, यानी कि पहली दो फिंगर को इस तरह से फोल्ड करते हुए अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर लगा दीजिए और पीछे की बाकी की दोनों उंगलियों को इस तरह से खोल दीजिए और आपका अंगूठा बाहर की ओर, ऊपर की ओर उठा रहेगा। ये आपकी हेल्प करेगा आपके नोस्ट्रिल को पकड़ने में। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान रखेंगे कि अनुलोम विलोम करते समय आपको श्वास बिल्कुल आराम से, सजगता से, पूरे ध्यान से अंदर लेनी है और बाहर की ओर छोड़नी है और कमर को सीधा रखना है और अपनी आंखों को बंद रखना है। आपकी जो श्वास है आपको अपने अपर लिप्स मतलब कि आपके होंठ के ऊपर वाले हिस्से पर छूती हुई महसूस करनी है। आप सजगता से करेंगे तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अनुलोम विलोम करते समय कई लोग अंगूठे को ज़्यादा प्रेस कर देते हैं, मतलब आपकी नाक इस तरह से प्रेस नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे, और उंगलियों को भी इस तरह से प्रेस या गर्दन इधर उधर ना हो, ना ज़्यादा नीचे हो और ना ही ज़्यादा ऊपर। आप लोगों को अपनी गर्दन बिल्कुल सामने की ओर रखनी है। और कुछ बात, कभी कई बार कई लोग इनहेल करते हुए मतलब श्वास अंदर लेते हुए इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना है, आपको सिर्फ इस पर श्वास का ही रेचक और पूरक करना है। ध्यान रखेंगे इन बातों का। इसके फायदे क्या है, बहुत से फायदे हैं। एक तो ये नाड़ी शोधन है जैसा कि हमने बताया, तो ये हमारे शरीर के अंदर विषैले पदार्थों को बिल्कुल क्लीन करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, हमारे मन को शांत रखता है, हमारे शरीर को, हमारे भाव को, हमारे दिनचर्या में जितना भी स्ट्रेस है उसको बहुत ही बैलेंस करके रखता है। अगर आप ये डेली बेसिस पे करें सुबह और शाम बिल्कुल इसी सजगता के साथ, तो आपको इसके बहुत और भी फायदे मिलेंगे, जिस तरह से शरीर के अंदर से लेके शरीर के बाहर तक, आपके आसपास का ओहरा, मतलब जब आप को लोग देखेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज होगा अगर आप इसको बिल्कुल ही सजगता के साथ और रिलैक्स होकर करें। धन्यवाद।